ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं, क्लाइमैक्स है। कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब घर में बच्चा पैदा होते ही डिसाइड हो जाता था कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। तो मिलवाते हैं आपको इस कहानी के मुख्य किरदार की माँ श्रीमती मंजू देवी से। दिन रात इस घर में नौकरों की तरह काम करते रहो और अपना मुंह बंद रखो, बोलोगे तो बाप बेटे का मुंह बन जाएगा। बाप तो था ही कामचोर, बेटा उससे भी बड़ा कामचोर पैदा हुआ है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। पता नहीं दोनों के दोनों किस चमड़ी से बने हैं। सूरज सर पे आ गया है और इन दोनों को देखो टस से मस नहीं हो रहे। उठ जा बेटा। बेटा उठ जा, 12 बज गए, काम धंधे पे नहीं जाना क्या तेरे को? सांड की तरह बिस्तर पे पड़ा रहता है पूरे दिन। उठ जा बेटा, सुबह हो गई। मम्मी संडे आज। मैं उठेगा नहीं साला। और ये है कहानी के मुख्य किरदार भीमा। कोई अच्छे वैद्य को जानता है क्या तू? वो क्या है ना कि मेरे को अपना कंधा ठीक करवाने का है, सुबह धोते वक्त बड़ा तकलीफ होता है। भीमा भीमा, क्या है रे तेरे को, चिल्ला क्या को रहा है? यार तुझसे एक हेल्प चाहिए थी, एक बार साइड माना। बोलना क्या हुआ? यार तेरे तो स्कूल में इतनी सेटिंग है, एक लड़की मेरे से पटवा दे यार। बस इतनी सी बात, बता कौन सी पसंद है तेरे को? वो 11th क्लास में है ना, सुषमा, बहुत माल लगती है मेरे को, उससे ही करवा दे। भीमा के लिए तो ये चुटकी का काम है। चुटकी से याद आया, शाम को मेरे लिए एक मीठी सुपारी का पैकेट लेके पार्क में आ जाना, तेरा काम हो जाएगा। भीमा तूने उसे यहीं बुलाया था ना, अब तक आई क्यों नहीं वो? अरे आती होगी, तू चिंता क्यों कर रहा है? आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जिसे भीमा बुलाए और वो ना आए। तू मीठी सुपारी लाया? हाँ। तो देना। भीमा। ए सुषमा कैसी है तू? तू इधर ही रुक, मैं आता हूँ। हाय भीमा, कैसे हो? मैं बिल्कुल सेक्सी, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं भी सेक्सी हो गई हूँ। अच्छा मुझे इधर क्यों बुलाया तुमने? वो जो पीछे लड़का खड़ा है ना उधर, वो काला सा? हाँ। गंदी शक्ल का? हाँ वही। मरियल सा, जैसे उसे पोलियो हो गया हो? हाँ भाई, दोस्त है वो मेरा, तुझसे सेटिंग करना चाहता है। छी 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 छी, ये इससे सेटिंग करने से अच्छा तो मैं जहर खा के मर जाऊं। भगवान इतने बुरे दिन किसी को ना दिखाए यार। भीमा मुझे तो तुम पसंद हो। साला तेरे को भी मैं ही पसंद है। ए बब्बन, इसको तो मैं पसंद है रे, तू अपने लिए कोई और लड़की देख ले। लेकिन भीमा तूने तो इसकी सुपारी ली थी। क्या, तुमने मुझे मारने के लिए सुपारी ली थी? मीठी सुपारी की बात कर रहा है, तुम्हारी सेटिंग करवाने के बदले में लिया था। बब्बन अब मैं क्या करूं यार, तू जानता है ना, हेमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद भीमा। भीमा चले चल। दिन में तारे देखे तुमने कभी? नहीं। आज दिखाता हूँ। ओके। छोटू एक कटिंग चाय। भीमा मुझे पहचाना? हाँ, आज सुबह रेड लाइट पे भीग दिया ना मैं तेरे को, वही ना? अरे नहीं। तो फिर नहीं पहचाना? अरे मैं बब्बन तेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, तुझसे एक लड़की सेट करवाने को बोला था और वो लड़की तूने ही सेट कर ली थी, याद है? हाँ हाँ हाँ। बता क्या काम है तेरे को? भीमा भाई मुझे अपने साथ रख लो, मुझे तेरे साथ रहने का है। मेरे साथ रह के क्या करेगा तू, मेरे पास ये कटिंग चाय के अलावा है ही क्या? भीमा भाई तेरे साथ रहूंगा तो एक दो लड़की मेरे से भी सेट हो जाएंगी, और मैंने सुना है दुनिया में तेरे से बड़ा लड़की बाज कोई है ही नहीं। अच्छा कितनी लड़की पटाने का है तेरे को? पूरी की पूरी 10। बस इतनी तो तू एक महीने में ही पटा लेगा। एक महीने में? वो कैसे? देख अभी क्या है कि अभी अपन लोगों का 12वीं पास हो गया है, तो अभी इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। भाई लेकिन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे?
भाई वो मुझे नहीं पता, पर जहां तू लेगा मैं भी वहीं लूंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, ब्रांच कंप्यूटर साइंस, लड़कियां ही लड़कियां, और कॉलेज कंप्लीट होते ही नौकरी के लिए पीछे भागते हुए लोग। इसका मतलब लड़की और फ्यूचर दोनों सेट। इंजीनियरिंग करने का एक फायदा और भी है, कभी नहाएगा नहीं साला। ए छोटू, बब्बन के लिए गुटका भी कर देना, मौज ले रोज ले। हाय। भाई तूने कहा था इंजीनियरिंग में एडमिशन लेती एक महीने में 10 सेटिंग हो जाएंगी, सेटिंग तो एक भी नहीं हुई, लेकिन 10 लड़कियों से थप्पड़ जरूर खाए हैं। अब तेरी शक्ल ही गंदी है तो इसमें मेरी क्या गलती है यार, चिंता मत कर कोई ना कोई पट जाएगी। नहीं पट सकती मेरे भाई, अब मुझे सब समझ आ गया, इंजीनियर से कोई लड़की पट ही नहीं सकती। ए भूल मत, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, और तू जानता है हेमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद भीमा। भीमा कैसा है? बेरोजगार। वो दिन गए भीमा, तब कुछ और बात थी, अब तेरे ऊपर भी इंजीनियर का ठप्पा लग चुका है, तुझसे भी कोई लड़की पटने वाली नहीं है। चैलेंज कर रहा है तू मेरे को? वो देख उधर दो लड़कियां खड़ी हैं, अब मैं क्या करता हूँ देख। पिक्चर देखने चलेगी मेरे साथ? तू इंजीनियर है ना? नहीं नहीं, मैं तो कॉमर्स से हूँ। अच्छा, कॉमर्स से है, चल चलते हैं। एक सेकंड रुकियो, आईडी दिखाइयो जरा अपनी। आईडी? आईडी का क्या करना है? अच्छा बेटे, झूठ बोलता है, इंजीनियर है ये, वो भी मैकेनिकल। इसकी आंखों में हवस नहीं दिख रही तुझे? और हाथ देख इसके कैसे कड़क हो रखे हैं। छी साले हरामी, लड़के बटाने के लिए झूठ बोलता है, तेरी तो चला जाए यहाँ से, दिख मत जाइए आगे से कमीना। एक तो यार साला वैसे ही मूड खराब है आज, ऊपर से ये इंजीनियर्स टकरा रहे हैं। क्या हो गया, क्यों मूड खराब है तेरा इतना? अरे यार क्या बताऊं, पापा ने एक आदमी को पैसे दिए थे 50,000 रुपए ब्याज पे, और वो आदमी पैसे लेकर भाग गया, कुछ पैसों के चक्कर में हो गया ना नुकसान। हाँ तो ऐसे काम करते ही क्यों, अगर पैसा है तो उसे ढंग की जगह इन्वेस्ट करो ना। तो क्या तेरे को दे दें? मेरे को क्यों दोगे, कॉइन DCX पे इन्वेस्ट करो। कॉइन DCX, ये क्या है? ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है, जहाँ पे क्रिप्टोज की बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग सब लीगल है। अच्छा, जो कि बैन हो सकता है। ऐसा कोई लॉ इंडियन गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है, खुद से रिसर्च क्यों नहीं करती तू, बस पटर पटर करती है। इनका एक DCX लर्न प्लेटफॉर्म है, जहाँ से तू इससे रिलेटेड कुछ भी सीख सकती है। मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे? सेफ है पूरी तरह से, इनका एक 7M मॉडल है, जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इम्प्रूव होती है, फेयर मार्केट रहता है, और रिस्क भी काफी कम हो जाता है। 2-factor ऑथेंटिकेशन और विड्रॉ पासवर्ड जैसे फीचर्स भी हैं, और यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट है, बिना किसी हिडन चार्जेस के। और मालूम है तेरे को, यहाँ इंस्टेंट विड्रॉ और डिपॉजिट है, और ISO सर्टिफाइड ऐप भी है, जहाँ तेरे को 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, फंसेगा नहीं साला। और हाँ, मिनिमम 100 रुपए से यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और सिर्फ 10 रुपए से क्रिप्टोज खरीद सकते हो। डाउनलोड कर मेरा कोड HALF100 यूज करके, साइन अप करने पे तेरे को 100 रुपए का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा। कॉइन DCX पे इन्वेस्ट कर, क्योंकि फ्यूचर यही है साला। तुम तो काफी इंटेलिजेंट लगते हो। बस थोड़ा बहुत। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी मैं डाउनलोड। और अब तो चल यहाँ से, वैसे भी है तो ये इंजीनियर ही, क्यों बेरोजगारों के चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर खराब करना है, चल। ये थी निठल्ली, जो भीमा को कॉलेज में पहली और आखिरी बार दिखाई दी। अब कहानी का फ्लैशबैक खत्म करके आज की तारीख पे आते हैं। इस इंजीनियरिंग ने हमारी जिंदगी खराब कर दी बब्बन, जब से इस दलदल में पैर फंसाया है साला, ना तो हमारे पास नौकरी रही और ना ही छोकरी। 4 साल में 40 सब्जेक्ट, 400 एक्सपेरिमेंट, 4,000 असाइनमेंट और 40,000 घंटे पढ़ाई करने के बाद
हमने 4 साल की इंजीनियरिंग को 7 साल में कंप्लीट किया, तब जाके कहीं ये डिग्री हाथ में मिली, लेकिन इस डिग्री को कोई पूछता ही नहीं है यार। सभी इंजीनियर्स का यही हाल है भाई, हमारे साथ के सभी इंजीनियर्स को बहुत मुश्किल से गटर साफ करने की नौकरी मिली है। चल काम करते हैं वरना ये नौकरी भी जाएगी हाथ से। कूद जा। तू कूद, मैं एक बार मालिक से मिलके आता हूँ। लेट मत करियो। सांस लेते रहना, बदबू बहुत ज्यादा है, कहीं मर ना जाओ। बड़ी दुखी जिंदगी है। बहुत अगड़ आ गई रे तुझमें। इंजीनियरिंग करने के बावजूद तुझे गटर साफ करने की नौकरी मिल गई, अब भी बोल रहा है कि तुझे प्रमोशन चाहिए, सीधा मोहल्ले की नालियां साफ करनी है। ये है चामुंडा स्वामी, आसपास के इलाकों में एक यही है जो इंजीनियर्स को भी नौकरी दिला सकता है। आप कहो तो इसकी गटर साफ करने की नौकरी भी छीन ले। अरे आओ भीमा आओ, देख रहे हो ये साला प्रमोशन के लिए आया था। अब तू मुझे एक बात बता, इंजीनियरिंग करने के बावजूद हम तुम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ऊपर से इसमें भी तुम लोग नखरे करोगे, कैसा चलेगा रे, कैसा चलेगा? खैर छोड़, तू बता कैसे आना हुआ? भाऊ आया तो इधर मैं भी प्रमोशन की बात करने के लिए ही था। वो क्या है ना भाऊ कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक गटर साफ करने का काम बड़ा ही शर्मनाक सा लगता है। मोहल्ले की नालियां साफ करनी हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी ये नौकरी के काम में इतना रिस्क है देख के, भाऊ अब तो मैं अंडे की रेहड़ी पे ही काम करेगा। अगर आपको देने का है तो ठीक है, वरना शहर जाके मैं खुद अपना काम ढूंढ लेगा। अपना ध्यान रखना, मैं निकलता है। भाई आपने इसको कुछ बोला क्यों नहीं, नौकरी से क्यों नहीं निकाला, जाने क्यों दिया साले को? ये क्या बात हुई भाई, ऐसे नौकरी से निकालने की बात क्यों कर रहे हो? गटर साफ कर लेगा मैं, ऐसे गरीब के पेट पे लात मत मारो प्लीज। अबे साले फिर हवाबाजी क्यों कर रहा था, अभी तो बड़ी जवान चल रही थी तेरी। वो एक बार ट्राई करना तो बनता ना साहब, मुझे लगा कि आप लोग क्या पता मान ही जाओ। मैं गया नहीं था किधर भी, इधर ही दरवाजे पे कान लगा के सब कुछ सुन रहा था। मुझे नौकरी से मत निकालो। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, जा जाके गटर साफ कर, काम पे लग जा। जी थैंक यू। इंजीनियर नाम सुन के इज्जतदार समझे क्या? बेरोजगार है मैं, गटर भी साफ करेगा साला। हेलो, पता कर शहर में सबसे अच्छा कंधे का डॉक्टर किधर बैठता है, ये कंधा ठीक करवाने का है मेरे को। भीमा देख तुझसे मिलने कौन आया है। अरे निठल्ली तुम यहाँ? किस्मत मुझे यहाँ ले आई भीमा, मैंने बहुत इंजीनियर्स का मजाक उड़ाया, पर मुझे क्या पता था कि मेरा सगा भाई एक दिन इंजीनियर बन जाएगा। आज उसी की नौकरी की बात करने गई थी चामुंडा के पास, उसने बोला कि अगर मैं उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक दूंगी तो वो अच्छी नौकरी लगा देगा मेरे भाई की। अब अगर सोच ही लिया है तो कर लेना फॉलो बैक, हम तो इधर पागल है ना जो इतने सालों से तुझे फॉलो करके बैठे हैं, आज तक फॉलो बैक नहीं किया। भाई की नौकरी के लिए करना पड़ रहा है बीमा, वरना प्यार में सिर्फ तेरे को ही करती है। बस अब तुझे यही बताने के लिए आई थी। तेरे को क्या लगता है ये सब जानने के बाद कि तू मेरे को प्यार करती है मैं तुझे उसको फॉलो बैक करने देगा? चल मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं भीमा, मेरी बात तो सुन, सिर्फ फॉलो बैक ही तो कर। अरे भीमा तू यहाँ? चामुंडा, अरे मेरी मैया,
मेरा तो पैर टूट गया, हाथ पहले ही टूटा पड़ा था। निठल्ली, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा, तू चली जा। क्या तू इसे यहाँ मुझे मरवाने के लिए ले आई थी? नहीं नहीं चामुंडा जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही हीरो बन रहा था। अब तक तो मैंने तुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक करने के लिए कहा था, पर अब तू यहाँ मुझे पप्पी देके जाएगी। जी, क्या गुटका खाओ से पप्पी करवा दी? क्या जरूरत थी तेरे को हीरो बनने की? हरामी, अब घर जाके नहाना पड़ेगा। निठल्ली, चामुंडा, ये तूने ठीक नहीं किया। मेरी सेटिंग को बिना कुल्ला करे किस नहीं करना चाहिए था, पर इसका बदला मैं जरूर लूंगा। आज के बाद मेरा एक भी इंजीनियर भाई तेरे लिए काम नहीं करेगा। काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। काम की जरूरत मुझे नहीं, तुम लोगों को है। जाके अपने इंजीनियर दोस्तों से तो पूछ। पैर में मोच आ गई लगता है। भीमा, तूने ये क्या किया? चामुंडा से पंगा नहीं लेना चाहिए था। तेरे कर्मों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। तुम लोग चिंता मत करो, हम लोगों को अब गटर साफ नहीं करना पड़ेगा। हम सबको इज्जतदार नौकरी मिल जाएगी। क्या घंटा नौकरी मिलेगी? हम कोई आर्ट्स, कॉमर्स या मेडिकल से थोड़ी है जो हमारे पीछे नौकरी की लाइन लगी होगी। हम इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स। एक तरीका है जिससे हम सबको अच्छी नौकरी मिल सकती है। कहाँ रह गया ये? ए भीमा, किधर है तू? हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तेरा हमेशा का यही है। भाई बाकी सब अपनी जगह ठीक है, मगर मेरे को एक बात समझ नहीं आई। भीमा ने ऐसा तुम्हें क्या कहा कि तुम सभी इंजीनियर्स की नौकरी लग गई? उस दिन अगर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और ढंग की नौकरी करनी है तो इस इंजीनियरिंग नाम के कलंक को अपने माथे से हटाना होगा, क्योंकि ये डिग्री इतनी ज्यादा मनहूस है कि हमारी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन इसकी मनहूसियत नहीं। तो मेरे साथ इस डिग्री को फाड़ेगा कौन? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा कौन? सिर्फ 12वीं पास कहलाएगा कौन? मैं हूँ 12वीं पास। मैं हूँ 12वीं पास। उस दिन हमें एहसास हुआ कि इंजीनियरिंग से ज्यादा नौकरी 12वीं पास वालों को मिल जाती है। चलें भाई लोग। अरे यार, कहाँ रह गया था तू? हम तेरा ही वेट कर रहे थे। अरे यार, अंदर से तो मैं इंजीनियर ही हूँ ना, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह जल्दी उठेगा नहीं साला। किसी महान आदमी ने कहा है कि इंजीनियरिंग करके आदमी इंजीनियर बने या ना बने, पर कामयाब जरूर बन जाता है, और वो महान आदमी कोई और नहीं, मैं ही हूँ, आपका अपना हाफ इंजीनियर।